इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, किसी एटॉमिक वेट अपन बोले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल था, ये एटॉमिक वेट अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक वेट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, करेक्ट? यस सर। तो मैं लास्ट लेक्चर के नोट्स पढ़ रहा था, तो सर ये आया कैसे एग्जैक्टली? सर जो डेफिनेशन थी, मास ऑफ एलिमेंट कंबाइनिंग विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, यस उसने देखे तो उससे ये रिलेशन आएगा। तो हमने कैसे इंटरप्रेट किया, मतलब एटॉमिक वेट और ऑक्सीडेशन नंबर में, सब वो नहीं समझा सर। इसका इक्विवेलेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि किसी भी चीज का जो वन इक्विवेलेंट है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू वन मोल इलेक्ट्रॉन, ओके ओके सर। अब ऐसे समझो इस बात को, ये चीज सबके माइंड में क्लियर हो गई? हाँ सर, यस सर। अब मैं ये बात बताओ, हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो अगर हाइड्रोजन से मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा मुझे? 1 मोल एच एटम, यस सर, करेक्ट, सही है? हाँ सर। विच इज 1 ग्राम, यस सर, यस सर। अच्छा ऑक्सीजन के लिए बताओ, अगर ऑक्सीजन को मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना है, तो कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? 1/8 ग्राम। ऑक्सीजन क्या बनाता है? ऑक्सीजन तो ऑक्साइड आयन बनाता है ना, O2-, यस सर। 1 मोल ऑक्सीजन तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाफ मोल, हाफ मोल ऑक्सीजन एटम, हाफ मोल ऑक्सीजन एटम क्या होता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब मेरे पास कोई एलिमेंट है M, और ये एलिमेंट M एक Mn प्लस आयन बनाता है, मतलब इसकी वैलेंसी N है ना, यस सर। तो इसका अगर, इससे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके मुझे कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 1 मोल डिवाइडेड बाय 1/N, 1/N बाय एन मोल लेना पड़ेगा ना, ये करेक्ट? यस यस। 1/N मोल्स का वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोल का वेट होता है एटॉमिक वेट बाय एन, यस यस सर। हाँ सर, समझा सर, थैंक यू। तो वही लिखा एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, जी सर। तो नाउ अब इसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा देखते हैं। ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन होम असाइनमेंट 2 इन बुकलेट, आई विल डिस्कस अ फ्यू प्रॉब्लम। और एक चीज तो याद है ना कि किसी भी रिएक्शन में हर सब्सटेंस के इक्वल इक्विवेलेंट्स यूज होते हैं। तो होम असाइनमेंट 2 ओपन करो, लेट्स सी फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, 0.1 ग्राम ऑफ मेटल लिया और उसको एसिड से रिएक्ट कराया,
करेक्ट। इससे क्या बनेगा, इस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा मेटल का और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अग्री? यस सर। मेटल का मास दिया है 0.1 ग्राम और इसका वॉल्यूम दिया है 34.2 ml एट एसटी। ओके मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। I can say that equivalent of metal will be equal to equivalent of hydrogen. Yes. Yes. Metal के equivalents क्या होंगे? उसका given mass by उसका equivalent mass. सही है? Yes, sir. और ये हमें find करना है। हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? उसका गिवन मास बाय उसका इक्विवेलेंट मास। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या है? 1। करेक्ट? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन का गिवन मास क्या है? 34.2 है एसटीपी पे, तो मोल्स कितने हो गए H2 के? करेक्ट? Yes, sir. ये मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर, ये मोल्स हो गए H2 के, तो इनटू 2 ग्राम ये मास हो गया। निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर। एक और प्रॉब्लम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, क्या दिया है? 0.5 ग्राम मेटल है, वो उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उससे 0.79 ग्राम उसी मेटल का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं और मेटल ऑक्साइड बन गया। करेक्ट? ये 0.5 ग्राम है और उससे ये 0.79 ग्राम बन गया। ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है? 0.2 ग्राम। सही है? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? सही है? यस सर। मेटल के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? Pw। और ये दोनों बराबर होंगे? यस सर। यस सर। निकाल लोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? यस सर। समझ में आया कैसे करने हैं? सर वो इक्विवेलेंट इक्वल क्यों हो गए, एक बार वापस बना दो। इक्विवेलेंट्स इक्वल क्यों होते हैं? सर वो वन इक्विवेलेंट मेटल का वन इक्विवेलेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है मेटल ऑक्साइड को। भाई ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था ना, कि हर चीज के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। यस सर। हां सर। ओके ऑक्सीजन का डिवाइड बाय एक बार ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है ना? हाँ यस सर। यस समझ में आया ये? यस सर। चलो होम असाइनमेंट 2 क्विकली कंप्लीट करो।
हो गया कंप्लीट? नहीं सर। कौन सा प्रॉब्लम नंबर कर रहे हो? चलो करो, पांच मिनट में करो, करो करो।
चलो अब डिस्कस करते हैं, बोलो कौन कौन से प्रॉब्लम्स में डाउट है। पहले फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या डिवीजन है देखो, क्लोराइड है एक एलिमेंट का, उसमें 65.5% क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर हम 100 ग्राम क्लोराइड ले तो उसमें क्लोरीन का मास कितना होगा, 65.5। और मेटल का मास कितना होगा फिर, 34.5। तो मेटल के इक्विवेलेंट इतने हो गए और क्लोरीन के इतने हो गए, करेक्ट? यस सर। और ये बराबर होंगे, ओके? तो इससे हमें इक्विवेलेंट वेट मिल गया मेटल का, ठीक है। क्लियर यहां तक? यस सर। अब आगे गैसियस स्टेट की इंफॉर्मेशन ली है, क्या गिवन है, 100 ml वेपर का एसटीपी पे वेट दिया है। तो 100 ml वेपर एसटीपी पे मतलब मोल्स कितने हुए, सही है? फाइव। यस सर। यस सर। और इसका मास दिया है 0.72 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं मोल, करेक्ट? यस सर। तो इससे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना, 227 × 0.72। अब किसी भी क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा ही होगा, MClX, वेयर X इज द वैलेंसी ऑफ मेटल है, ठीक है? यस यस सर। तो इसका तुम मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखोगे, एटॉमिक वेट ऑफ एम प्लस एक्स टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, सही है? यस यस सर। मॉलिक्यूलर वेट हमें मालूम है, एम का एटॉमिक वेट भी यहां से क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट विल बी इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, सही है? यस सर। तो एटॉमिक वेट को लिख सकते हैं एक्स इनटू ठीक, ये एम का एटॉमिक वेट हो गया और एक्स इनटू क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लोगे? यस। समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ, तो अलग अप्रोच है किया सर, मैंने इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं किया यूज, लेकिन सर आंसर आ गया तो मतलब मैं मेथड बोलूं आपको? नहीं कोई जरूरत नहीं, आंसर आ गया तो ठीक है सर। लेकिन 3.01 आया तो मतलब उसको 3 मान लेंगे ना हम लोग, मतलब हाँ। कर लिया नोट? Yes, sir. Sir, sixth question. So, fifth भी करो ना। So, fifth भी करो ना। Equivalent weight दिया है metal का 4.5। Will be atomic weight upon valency.
तो एटॉमिक वेट हो गया इस मेटल का 4.5 है, उसके क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है, Yes, sir. Thank you, sir. The tenth problem. Tenth, Anna, sir. Sir, sixth. Sir, sixth. Sulfate में 42.2% element है. तो 57.8% सल्फेट होगा. इससे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट मेटल का. ठीक है, तो सर एक लास्ट पीस दिखा देते हैं एक बार. सर उन्होंने 42.2% क्यों दिया? अरे मतलब यार 100 ग्राम कंपाउंड लोगे उसमें 42.2 ग्राम मेटल होगा, रिमेनिंग 57.8 ग्राम सल्फेट होगा. सॉलिड यस तो मास कहते हैं. यस मैग्नीशियम का मास दिया है 0.534, उसका इक्विवेलेंट वेट दिया है 12, कॉपर का मास दिया है और उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा, निकाल लो उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ठीक है सर, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 11. मेटल ए का मास M1 है, मेटल बी का मास M2 है, इक्विवेलेंट वेट C1 और E2 है, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है. सर 14. 12. वन पॉइंट फाइव ग्राम मेटल है, उसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट बाय 2, 4 ग्राम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है 64/2. इस मेटल का एटॉमिक वेट निकाल लो. सर 15. फिफ्टीन अभी नहीं किया है, 15 अभी करना है. 15, 22 ये दो अभी छोड़. सर 20. 3 ग्राम ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू 5 ग्राम क्लोराइड, मेटल का इक्विवेलेंट है. तो 3 ग्राम ऑक्साइड है और उसको तुम जब क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5 ग्राम क्लोराइड बन रहा है. तो इस 3 ग्राम क्लोराइड में मान लेते हैं x ग्राम मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 3 - x. ठीक है यस.
और इसी को तुम क्लोराइड बना रहे हो तो मेटल तो उतना ही आएगा यहाँ भी, सही है? यस सर। तो यहां मैं लिख सकता हूं रेड, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? यस सर। 19 मेटल को बर्न कर रहे हैं, मतलब उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। 100 ग्राम अगर ये ले रहे हैं तो ये 124 ग्राम बन गया। ठीक है? यस सर। हो गया कंप्लीट? इक्विवेलेंट वेट दिया है 8.9, तो एटॉमिक वेट होगा 8.9 इंटू वैलेंसी। अब वैलेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो दिस कैन बी 8.9 और 17.8 और 26.7 और वैलेंसी तो इंटीजर होगा ना? यस सर। एंड सो ऑन। अब तो मैं अप्रोक्सीमेट, बट हम ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं ना, तो वो तो फ्रैक्शन में होता है। वो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन तुम्हें अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना दिया है? 29.89, करेक्ट? यस सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ऐसा फ्रैक्शन थोड़ी होता है 2.9 या 2.95, ऐसा थोड़ी होता है भाई। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में होता है तो हमने देखा है, मतलब 5/2, 3/2 ऐसा होता है ना, कोई बिल्कुल एब्सर्ड फ्रैक्शन थोड़ी बनेगा वो। यस सर। तो 29.89 के क्लोजेस्ट कौन सा मल्टीपल है? 26.7 क्या मिलेगा ये नंबर, क्या मिलेगा बताओ? हाउ मच इज दिस? 3.35 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है? नहीं सर। तो फिर वैसा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है ना। बट अगर फ्रैक्शन है तो जैसे 8/3 आया तो वैसे हो सकता है। होगा और इंफॉर्मेशन देगा प्रॉब्लम, मतलब अगर नहीं दिया है तो वैलेंसी का होल नंबर टाइप तो हम इंटीजर ही मानेंगे। हां यस सर। सर सो 19th वाले में 24/16 होना होगा, मतलब 16 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? अरे हां यस सर, 16/2। यस सर, सॉरी मैं सर, आपने 15 किया डिस्कस।
सर एंड 20 सेकंड का हिंट दे सकते हो? 20 सेकंड अभी करेंगे, इसको पढ़ाना है अभी, वो बात बाकी है पढ़ाने। ओके सर, 15 और 20 सेकंड पढ़ाना बाकी है। ओके सर, आपने आखिरी जो बैलेंसिंग का क्वेश्चन किया उसका स्क्रीनशॉट लेना था। ले लिया सर, थैंक यू। ओके, तो एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, कैसे वर्क करते हैं, समझ में आया? Yes, sir. अब कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अ टर्म कॉल्ड एज एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एंड फैक्टर इज मॉड ऑफ डेल्टा ओवर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन। And for a acid base reaction, it is number of H plus or OH minus ions replaced per molecule. So, जैसे element का compound, element का equivalent weight किस पे depend करता था? बताओ। Balance. Equivalent weight किस पे depend करता था? कि वो किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, करेक्ट? यस सर। इसी तरह कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किस पे डिपेंड करेगा? एन फैक्टर, कि वो किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, यस। जैसे सपोज H2C2O4 एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये बनाता है CO2। अब इसमें ये कार्बन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां +4 है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, करेक्ट? यस यस सर। तो अब इसमें H2C2O4 का एन फैक्टर कितना होगा? 1 +1 मॉड ऑफ 4 -3, और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? करेक्ट? यस सर। यू रिपीट सर, इनटू 2 है, इनटू 2 क्योंकि दो कार्बन है। यस सर, पर मोल के। CO2 का एन फैक्टर क्या होगा? 1 क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, ठीक है? यस सर, आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? बेटा एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना बदला वो देखो। तो यस सर, समझा मैं। और अगर एसिड बेस रिएक्शन होता, मान लो ये रिएक्शन लिया है,
और H3PO4 का n फैक्टर पूछा जाता, तो कैसे देते हम लोग, इसमें से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तीन में दो रिप्लेस हो गए सोडियम से, एक अभी भी है, यस सर, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए इसके एक मॉलिक्यूल से, दो दो है ये, यस सर, यस। तो अब 15 प्रॉब्लम देख लो जरा HA2 का, 15th प्रॉब्लम में क्या गिवन है, KMnO4 is converted to MnSO4. KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, MnSO4 में +2, तो क्या हो गया इसका n फैक्टर 5. तो इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, ठीक है, यस यस। अगर एक ही कंपाउंड में से अगर दो का ऐसे चेंज हो रहा है तो मतलब जितना अभी चल रहा है उतने पे ध्यान दो। 22 में देखो रिएक्शन दिया है और H3PO4 के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, 6 पर मॉलिक्यूल 3, ठीक है, यस यस सर। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 98/3, समझ में आया, यस सर। सर लास्ट पेज दिखा सकते हो क्या, एक मिनट, इसके पहले हो रहा सर, थैंक यू सर। कर लिया नोट, यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन की एन फैक्टर कैलकुलेशन, ओके, मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास A2B3, ठीक है, जिसमें A की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, B की -2, ओके, ये एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसने बनाया AO3 और H2B, ठीक है, ओके, तो प्रोडक्ट साइड में A की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6, B की उतनी है, अग्रीड, यस। अब मैं तुमसे पूछता हूं इस प्रॉब्लम में A2B3 का n फैक्टर बताओ, कैसे निकालोगे, बताओ जरा, A2B3 में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, एक कहां से किस वैल्यू, तो मॉड ऑफ 6 -3 इनटू 2, ये समझ में आ गया सबको, यस यस सर, यस सर। ये तो सबसे सिंपल केस हो गया, अब इसका मैं लेता हूं केस 2, अब ध्यान देना जरा सब लोग, A2B3 रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बनाया AO3
प्लस बी ओ। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो जल्दी जल्दी सबके। थ्री इधर प्लस सिक्स माइनस टू अब इसमें A2 B3 में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है? दोनों का। दोनों तो ऐसा हो सकता है एक कंपाउंड में दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हो या दो एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हो। ऐसे केस में क्या करेंगे? सबका टोटल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे एन फैक्टर? अब ए टू बी थ्री का सिक्स माइनस थ्री इंटू टू मॉड ऑफ सिक्स माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू मॉड ऑफ टू माइनस माइनस टू इंटू थ्री माइनस माइनस टू इंटू थ्री। बिल्कुल करेक्ट। कितना आ जाएगा ये टोटल? 18 ये समझ में आया? यस सर। केस वन का स्क्रीनशॉट। वेट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लो ए टू बी थ्री एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बना रहा है ए ओ थ्री ए टू ओ एच टू बी। अब क्या हुआ इसमें? टेबल ऑक्सीजन चेयर के दो बन रहे अलग के दो चेयर। और ढंग से बोलो, मतलब ए ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है। क्या कहते थे इसको? प्रोपोर्शनेशन में एन फैक्टर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ए टू बी थ्री का एन फैक्टर क्या होगा? 1 by NFO plus 1 by NFR का इनवर्स। NFO और NFR क्या है? अगर एक केवल ऑक्सीडाइज हो रहा होता तो कितना होता है इनफैक्ट? 3, 2, 6, 7, 6. तो वो हम कहेंगे NFO। और अगर केवल रिड्यूस हो रहा होता तो एन फैक्टर कितना होता? 4. तो क्या आ गया ये एन फैक्टर? अब 4/10। सर एफ आर का एक बार? एन एफ आर वो एन फैक्टर अगर केवल रिड्यूस हो रहा होता। ओके यस सर। इसमें इसमें सर इसमें हम ए का करेंगे क्या? ए अगर केवल ऑक्सीडाइज होता तो एन फैक्टर 6 होता? यस सर। अगर केवल रिड्यूस होता तो 4 होता? यस सर। यस सर। ए टू बी थ्री का एन फैक्टर ऐसा कैलकुलेट होगा। हाँ, इसी में अगर कोई तुमसे कहे भाई ए ओ थ्री का एन फैक्टर बताओ, तो AO3 में तो A केवल ऑक्सीडाइज होकर ही आ रहा है ना? यस सर। सिक्स AO3 को इस ब्रांच से कोई मतलब है तो कितना होगा? 3। यस सर। या A2O का कोई एन फैक्टर पूछे फोर ठीक है। फोर्थ केस, इसमें क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग हियर?
ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइज होके वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, करेक्ट? यस सर। यहाँ पे एन फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। बिना बैलेंस किए इसका कभी भी प्लीज एन फैक्टर मत निकालना। कई लोग ये गलती करते हैं एग्जाम में, कई बार ये ही आया ये सिंगल करेक्ट में, और तुम लोग गलती क्या करोगे, कहोगे ए टू बी थ्री में दो ए है, एक ए को ए ओ टू में भेज देते हैं, एक ए को ए ओ थ्री में भेज देते हैं। ओके यस सर, ठीक है। तो yes. क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे अपने बैलेंसिंग वाले तरीके से। ओके तो ये रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे लेवल पे नहीं है, पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए ना कि कितने ए यहाँ आए और कितने ए यहाँ गए, चलिए यस सर यस सर, करना ही पड़ेगा तुम्हें। वन एस टू वन हमेशा नहीं होगा, वन एस टू वन नहीं होगा। तो मान लो हमने बैलेंस किया और हमें कुछ ऐसा मिला, बैलेंस करके इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ एन मिला, इसका एन मिला और इसका एन प्लस एन बाय टू मिला। अब ध्यान से देखो, अब कैसे लिखते हैं एन फैक्टर ए टू बी थ्री का। ए थ्री से सिक्स में जा रहा है, यस यस। कितने ए जा रहे हैं थ्री से सिक्स में? एम फोर में थ्री से सिक्स में कितने जा रहे हैं? एम ये सॉरी ये फोर है, माइनस फोर ये सिक्स। हाँ तो थ्री से फोर में कितने जा रहे हैं? एम एम। और थ्री से सिक्स में कितने जा रहे हैं? एन एन। तो टोटल ए के एटम्स में इतना ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, यस सर। और पूरे रिएक्शन में टोटल ए के एटम्स कितने इन्वॉल्व है? एम प्लस एन बाय टू, एम प्लस एन, प्लस एन बाय टू, ए के एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन। ये टोटल ए का चेंज है, मैं ए के टोटल एटम से डिवाइड कर दूं तो ये पर एटम ए का एवरेज चेंज आ गया, यस यस सर। और ए टू बी थ्री के एक मॉलिक्यूल में ए के कितने एटम्स हैं? एम प्लस एन। ए टू बी थ्री एक मॉलिक्यूल में ए के कितने एटम्स हैं? दो दो। ये हो गया एन फैक्टर, समझ गए? नेक्स्ट केस। और सर इसका प्रोडक्ट के केस नहीं लिया? प्रोडक्ट के केस में तो ऐसा कुछ लफड़ाई नहीं है ना, उसमें ऐसे एओ टू देखो तो उसमें तो प्लस थ्री से प्लस फोर में ही आ रहा है केवल। हाँ ये सर, फिर प्रॉब्लम उस केसेस में ना जहां एक से दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है। Yes. तो एक ये केस देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है? क्या हुआ इसमें? एक केस में ऑक्सीडेशन, ए ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और स्पेक्टेटर भी। यस सर, ऐसे केस में भी पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो मान लो तुमने बैलेंस किया, तो सेम एन फैक्टर कैसे लिखोगे ए टू बी थ्री का? एम एटम्स में कितना चेंज हो रहा है थ्री से सिक्स,
एन एटम्स में कितना चेंज हो रहा है, 3 से 3, तो पर एटम एवरेज ये इनटू 2। ठीक है सर, इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें मालूम, हम तुम्हें यही नहीं मालूम ना इसमें से कितने स्पेक्टेटर हैं। और अब जैसे ये वाला किया था आज क्लास का एक एग्जांपल, केसीएन वाला एक किया था ना, हाँ ये। अब इसमें टोटल केसीएन कितने होते हैं लेफ्ट साइड में, 7। यस सर, उसमें से 6 स्पेक्टेटर थे, एक का ही केवल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था ना। यस सर, ओके। और लास्ट केस इसका लिख लो, सर आप एक मिनट लास्ट केस दिखा सकते हो। डन सर। इसमें क्या हुआ, रिड्यूस, ए ऑक्सीडाइज हुआ, बी रिड्यूस, रिड्यूस, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हुआ। तो ऐसे केस में एन फैक्टर हम तभी निकाल सकते हैं कि इन दोनों को छोड़ के नो अदर एलिमेंट इन रिएक्शन इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, तब एन फैक्टर A2B3 का आप देंगे, चाहे ऑक्सीडेशन से दे दीजिए चाहे रिडक्शन से, सेम ही होगा। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, इसके फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिखाओ ना, इसका केस 3 में डाउट है। बोलो सर, इसमें हमने पहले वाले में 1/6 क्यों लिखा, 1/3 नहीं लिखा, दो ए है ना सर, जब ए ओ 3 का कर रहे थे तब फिर 2 क्यों नहीं किया, मतलब ए ओ 3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ए है, इसका कर रहे हैं उसका एक मॉलिक्यूल दे देंगे ना। यस सर, समझा सर। जो फोर्थ केस है, जो फर्स्ट वाला, हां फोर्थ केस सर, फोर्थ केस में वो डिनोमिनेटर में m+n/2 क्यों नहीं आ रहा है हमें, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, टोटल चेंज ऑफ ऑल ए एटम्स, डिनोमिनेटर में है टोटल एटम्स ऑफ ए, अच्छा हाँ सर, पर एटम का एवरेज निकाल रहे हैं ना। यस सर, इसमें अगर ऑक्सीजन पेरोक्सो कंपाउंड आ रहा होता तो फिर अलग ही हो जाती कहानी, ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने मान ही रहे, मान रहे ना ये है। अच्छा सर, फर्स्ट और सेकंड भी बताओ सर, एक बार फर्स्ट वाला बताओ ना, इसमें क्या डाउट है। नहीं सर, डन सर, हो गया। यस सो केस 3 में ये फॉर्मूला कैसे आता है, वो अभी लिख लो, डिराइव करेंगे लेकर कभी। ओके ओके सर, यस सर, अभी प्रोपोर्शनेशन के लिए ये फॉर्मूला है। सो आल्सो सर, आपने मतलब स्टार्टिंग में ये समझाया था ना कि मतलब एलिमेंट्स के लिए हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, सो आप एक बार प्रोपोर्शनेशन में भी समझा सकते हो कैसे देखेंगे, क्लास करेंगे इसका एक प्रॉब्लम तब देखेंगे। ओके सर, हो गया सर। हां लास्ट का एक प्रीवियस स्लाइड भी बताऊं, ये है ना लास्ट पे, इसके पहले डन सर, सेकंड दिखा दो सर एक बार, सेकंड
डन श्योर थर्ड वाला दिखा ना सेकंड प्लीज डाउट है थर्ड वाला ये लोग डाउट है सर डाउट रिसर्च है फोर्थ फोर्थ थर्ड नहीं सॉरी सर फोर्थ हाँ सर इसमें ये डाउट है मुझे तो वो पूछा था ना सर मैं n प्लस n बाई टू वो क्यों नहीं होगा सर वो कंफ्यूज भी नहीं समझ होगा भाई तुम अपनी मर्जी से एक नंबर बोलो मैं पूछ रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है क्यों n प्लस n बाई टू होगा हम a का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करना चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम a टू b थ्री के स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों डिवाइड कर यस सर समझा कोई लॉजिक नहीं है कोई लॉजिक ही नहीं है उसका हाँ सर चलो बाय एवरीबॉडी सर लास्ट पे दिखा सर आप केस फाइव का एन फैक्टर ऑफ AO2O3 निकाल सकते हो A2O3 का ऐसे कैसे निकालोगे उसमें तो किसी का चेंज ही नहीं हो रहा ओके सर सर अगर सिर्फ केस फाइव और सिक्स कंबाइन हो गया तो मतलब ऐसा टाइप का कुछ हुआ तो छोड़ देना वो प्रॉब्लम बेटर रहेगा तो इन छह केसेस के अलावा कुछ और डिडक्ट होता नहीं है यस सर यस चलो बाय एवरीबॉडी